200 के अलावा ZS 10R है या कोई और बाइक, सुपर बाइक, नॉर्मल बाइक, डजंट मैटर, डबल स्क्रीन लगी हुई है, लीवर गार्ड, फोर प्रोटेक्शन, फोर स्लाइडर, भाई एक बीस्ट लग रही है। मैं कह रहा हूँ जेड, पूरा जेड थाउजेंड वाला लुक आ रहा है। ये चेक करो, पूरे के पूरी बाइक सेफ, आपकी इंजन सेफ है, आपका टैंक सेफ, आपके लेग्स, क्योंकि अब इस पे लगने हैं टैंक पेड, थाई पेड का पूरा कॉम्बो, अपने पास सभी तरीके के मिल जाएंगे। चेक करो यार फिनिशिंग स्लाइडर, और यहाँ पर लगा दिए फोर प्रोटेक्शन, ये दोनों कॉम्बो मिला के सस्पेंशन की प्रोटेक्शन रहती है, आपकी डिस्क प्लेट वगैरह दोनों तरफ से सेफ है, क्योंकि ये पूरा सेट आता है। तो फोर स्लाइडर आ गए राउंड वाले, ये ग्रीन मैंने आपको दिखाए, इसमें भी काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे। टैंक पैड सर, तो मोटोग्राफिक का है, जेनुइन, इसमें इसकी पूरी किट आती है। ये रिसेप्ट वाली साइड स्टैंड जैकेट बोलता हूँ मैं, आसान वासान सा लगता है। तो ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आ गए लीवर गार्ड, जिन लोगों को लीवर गार्ड्स लगवाने हैं। पर आ चुके हैं जीवी रेसिंग की इंजन केसिंग का, पूरी किट आती है इसकी, ये इस तरीके से आ गए। ये इसका मीटर का डैम्पर जो है आप लोगों की एक्सपर्जन के लिए मिल जाएगा, अपने पास जेड 900 के लिए, जेड एक्स 10R के लिए, चेक कर सकते हो आप। ये देखो क्या तो चीज़ है यार, बाकी के पार्ट्स इसके यहाँ पर आ चुके हैं, पार्ट टू पार्ट है। इसी तरीके से मेरी 10R पे भी लगा हुआ है, चेक करो। साथ में इसकी किट वगैरह साथ में आती है, नट बोल्ट। और ये क्रैश गार्ड भाई बहुत ही ज्यादा हैवी, स्पेशली बनवाया हुआ है ये, क्या बिल्ड है यार। तो भाई पीपीएफ का काम भी कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा रह गया बस की लेयर उतार दे, और ये वाला पार्ट भी इसी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ओ भाई साहब ये देखो भाई, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने इसमें कुछ करवा रखा है। ये देखो, देखो हमारे में कार्बन में है, ये देखो यार, इस जगह पर हो गया, इस जगह पर हो गया, ये वाला पार्ट आता है और दो साइड। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू SKD बाइक वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, मेरा नाम सिकंदर, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल SKD बाइक वर्ल्ड। जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया, आज के सिनेरियो में टॉपिक रहेगा, वो रहेगा आप लोगों की ड्रीम बाइक कावासाकी Z900 पर आप लोगों को दिखाने वाले हैं A to Z 1 to 12 सब कुछ मॉडिफिकेशन इसमें होने वाली है, जो इसकी सेफ्टी वाली है, इसकी लुक को एनहेंस करने वाली है, और जो इसकी ज़रूरत है, इसकी नीड है, तो दिखाते हैं आपको सामान। लेकिन उससे पहले मैं अपनी बाइक भी आपको दिखा दूँ। अगर आप लोगों के पास Z200 के अलावा ZS 10R है या कोई और बाइक, सुपर बाइक, नॉर्मल बाइक, डजंट मैटर, आप आ सकते हो अपनी शॉप पर, जो कि मिलेगी आपको दिल्ली करोल बाग नायवाल मार्केट 4 SKD बाइक वर्ल्ड। तो यहाँ पर अपनी जो है ZS 10R है 2024 वेरिएंट, न्यू मॉडल, और ये भी फुल लोड है। अगर आप कहोगे तो इसका एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, वैसे इसमें आप देख सकते हो ऐसे कुछ नहीं है जो ना हो। जैसा कि आप देखोगे इसमें विंग्स लगे हुए हैं, इसके अलावा यहाँ पर बबल स्क्रीन लगी हुई है, लीवर गार्ड, फोर प्रोटेक्शन, फोर स्लाइडर, रेडिएटर ग्रिल, और यहाँ पर अगर आप आओगे तो फुल एग्जॉस्ट सिस्टम, फोर टाइटेनियम, वो भी एरो वाला लगा हुआ है, ये देख सकते हो दोस्तों आप। तो ये सब चीज़ें भी इसमें हैं, और इसी के साथ में इसमें है इंजन प्रोटेक्टर लगे हुए हैं, इंजन केस लगा हुआ है, यहाँ से देख सकते हो आप। और एक बार इस साइड से भी दिखा देना, इंजन केसिंग वगैरह है, और इसी तरीके का कुछ टच अपनी Z900 पर देने वाले हैं। तो मैं आपको बाइक दिखा देता हूं और एक एक करके आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें एड ऑन करने वाले हैं। सब्सक्राइब भी कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो अगर आप लोगों ने नहीं किया तो। ZS 10R यहाँ पर आ गई, Z900 न्यू बाइक है, इसका नंबर भी नहीं आया। इसमें ऑल अबाउट सब कुछ करने वाले हैं, क्योंकि सेफ्टी से लेके और साउंड वाली सीरीज होगी। एग्जॉस्ट अपने पास भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर इसकी रेडिएटर ग्रिल भी है, लेकिन अब यहाँ पर आपको दिखा देते हैं स्लाइडर शुरू करते हैं। तो फोर स्लाइडर आ गए राउंड वाले, सस्पेंशन गार्ड आप कह सकते हो, सस्पेंशन की प्रोटेक्शन के लिए इसमें काफ़ी सारे कलर आपको मिल जाएंगे। ये ग्रीन मैंने आपको दिखाए आइडिया के लिए, क्योंकि आपको पता है कावासाकी का जो थीम कलर है वो ग्रीन ही है, लगेंगे सस्पेंशन की प्रोटेक्शन के लिए, इसमें भी काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे। ये आ गया इसका डीकार वाला बैंड पैक, जिसमें फुल सिस्टम चाहिए वो भी मिल जाएगा। और ये आ गया इसका रेडिएटर ग्रिल, इसका टैंक पैड, ये रख सकते हो आप, मोटोग्राफिक का है, जेनुइन के लिए है। ये इजी ग्रिप आ गई, इसमें इसकी पूरी किट आती है, ये देख सकते हो आप। इसमें जो है पैडॉक वगैरह पे लगाना है तो ये वाली साइड स्टैंड जैकेट बोलता हूँ मैं आसान भाषा में, क्योंकि इसका स्टैंड काफ़ी हल्का रहता है यार, मुझे ऐसा लगता है। तो ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आ गए लीवर गार्ड, जिन लोगों को लीवर गार्ड्स लगवाने हैं तो ये कुछ इस तरीके के आते हैं। पर आ चुके हैं जीवी रेसिंग के इंजन केसिंग कवर्स, ये जो इस तरीके के आते हैं गाइस, चेक कर सकते हो, पूरी किट आती है इसकी। इंजन प्रोटेक्टर है ये, ये इस तरीके से आ गए। ये आ गया इसका मीटर का डैम्पर जो है आप लोगों की एक्सपर्जन के लिए मिल जाएगा, अपने पास Z900 के लिए, Z10R के लिए। देखिए ये सारा सामान पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं फाइनल पे कैसा लुक।
यहाँ पर गाइस का क्रैश गार्ड लगने का प्रोसेस शुरू हो चुका है और ये क्रैश गार्ड भाई बहुत ही ज़्यादा हैवी स्पेशली बनवाया हुआ है ये चैट 900 के लिए। और इस साइड से भी देखो गाइस, चेक करो आप क्या बिल्ड है यार, इजी टू फिट है भाई। स्लाइडर भी लगने के बाद बहुत ही ज़्यादा बल्कि लुक आ जाता है इस बाइक में। ये हम इसे कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं, बाकी पीपीएफ की भी लगभग लगभग हो चुका है, कटिंग करनी बाकी है बस। तो भाई पीपीएफ का काम भी कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा रह गया बस की लेयर उतार देते हैं। ये आगे चमक, इसमें शाइनिंग देखो कितनी ज़बरदस्त है। इसके अलावा यहाँ पर रेडिएटर ग्रिल लग गई, क्रैश गार्ड लग चुका है, अब इसकी फिटिंग कर लेते हैं, बॉर्डर वगैरह लग रहे हैं। और ये वाला पार्ट भी इसी तरीके से कम्प्लीट हो चुका है। ओ भाई साहब ये देखो भाई क्या तो शाइनिंग है, ये लो जी। इसके बाद इसमें टैंक पैड थाई पैड का पूरा कॉम्बो लगा देते हैं और फिर आपको दिखा देते हैं फाइनल रिजल्ट। अभी टैंक की भी इसमें उतारनी बाकी है, ये देखो ये स्टेपर यूज़ करते हैं स्क्रैच आ जाते हैं, इसीलिए हम फाइनल उतारने के बाद ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने इसमें कुछ करवा रखा है। ये देखो इसको देखो और फिर इसको देखो। तो गाइस यहाँ पर जो है जीबी रेसिंग की इंजन केसिंग लगनी शुरू हो चुकी है कुछ इस तरीके से, गाइस चेक कर सकते हो आप, ये देखो क्या तो चीज़ है यार। और इसमें कार्बन में भी मिल जाएगी, बट ये काफ़ी ऑसम लग रहा है भाई। तो ये लगाने वाले हैं, बाकी के पार्ट्स इसके यहाँ पर आ चुके हैं, ये लगा रहे हैं, सारे जेन्युइन पार्ट हैं। इसी तरीके से ये पार्ट टू पार्ट है, ये लगने के बाद काफ़ी अच्छे लगेंगे। एक ये वाला पार्ट आ गया है, इधर वाला पार्ट आ गया इसका, ये इधर वाले पार्ट का आ गया, और ये वाला जो पार्ट है ये उस साइड पे लगेगा। इसी तरीके से मेरी 10R पे भी लगा हुआ है। अगर आप यहाँ देखोगे हमारे में कार्बन में है, ये देखो यहाँ इस जगह पर हो गया, इस जगह पर हो गया, और एक साइड है ना जी, एक साइड से भी दिखा देते हैं आपको। थोड़ा सा बाइक उस तरफ, थोड़े से बाइक को उस तरफ करना, ये चेक करो गाइस। ओए होए होए क्या तो चीज़ है, इसका नहीं आता है गाइस अभी फिलहाल। इस किट में ये वाला पार्ट आता है और दो साइड की मैंने आपको दिखाया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है इनका नहीं आता, सभी कुछ मिल जाता है भाई। तो ये हो गया अपनी 10R पर, और वही सेम कॉन्सेप्ट आ गया Z900 पर। और सबसे बड़ी बात ये गाइस, ये प्रॉपर रहते हैं, इसमें कोई भी अल्ट्रेशन नहीं करनी होती, क्योंकि सुपर बाइक में अल्ट्रेशन करने का मतलब सत्यानाश कराना होता है। तो ये प्रॉपर है भाई, ये चेक करो, साथ में इसकी किट वगैरह साथ में आती है, नट बोल्ट, नट टू नट कनेक्ट, जस्ट प्लग एंड प्ले फिटिंग। भाई सब बाइक को बाहर लेकर आते हैं और आपको दिखाते हैं फाइनल रिजल्ट। अभी इसमें एग्जॉस्ट लगना बाकी है, वो फर्स्ट सर्विस के बाद लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल आप चेक करो इसका लुक। ओ भाई साहब क्रैश गार्ड लुक चेक करो यार, क्या तो लुक आ रहा है, गदर। अब इसको लगा दो इस तरीके से यहाँ पर भाई, एक बीच लग रही है, मैं कह रहा हूँ जेड पूरा जेड 1000 वाला लुक आ रहा है। पीपीएफ उतार देते हैं क्योंकि अब इस पे लगने हैं टैंक पेड थाई पेड का पूरा कॉम्बो, अपने पास सभी तरीके के मिल जाएंगे। चेक करो यार फिनिशिंग, ये लो जी 2024 वेरिएंट है ये आप लोगों की Z900 का। और अभी यहाँ पर भी इसकी लेयर उतारनी बाकी है, साथ में इसके मीटर पर टेम्पर लगा रहे हैं, वो भी ज़रूरी है। इस साइड से दिखाओ एक बार आके, पहले ये चेक करो। तो ये फाइनल लेयर इसीलिए उतार रही थी मैंने यार, मैंने कोई दिक्कत ना आए किसी तरीके की, अब इसे उतार दिया तो फाइनल चेक करो आप। अब यहाँ पर मीटर टेम्पर लग रहा है और उसके बाद में लगेगा ये वाला कॉम्बो, जिसमें आपको जो है इसके पेट्रोल का पूरा सेटअप मिलेगा, ऑयल कैप का, इसके अलावा यहाँ पर आपको टैंक पैड मिल जाएगा एंड थाई पैड्स मिल जाएंगे। तो ये लगाएंगे पूरा कॉम्बो कार्बन में, ठीक है जी। ये लगाने के बाद भी आपको दिखा देते हैं कैसा लुक आता है। तो गाइस फाइनल रिजल्ट चेक करो आप लोगों की, यहाँ पर ब्रांड न्यू 2024 वेरिएंट Z900 पर। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करेंगे व्हील पे से, तो व्हील पे सबसे पहले आप देखो फोर प्रोटेक्शन फोर स्लाइडर, इसके एक चीज़ आप लोगों को पता है एक्सपेंसिव रहती है, तो उसकी प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर बिल्कुल लेटेस्ट वाले यहाँ पर लगा दिए फोर स्लाइडर, और यहाँ पर लगा दिए फोर प्रोटेक्शन, ये दोनों कॉम्बो मिला के सस्पेंशन की प्रोटेक्शन रहती है, आपकी डिस्क प्लेट वगैरह दोनों तरफ से सेफ है, क्योंकि ये पूरा सेट आता है। इस साइड से भी देख सकते हो आप और इस साइड से भी देख सकते हो। अब जिन लोगों को कलर की प्रॉब्लम आ रही है, भाई हमें ब्लैक नहीं चाहिए, हमें तो ग्रीन चाहिए, तो वो ग्रीन भी लगवा सकते हैं, ग्रीन लगवा लो, ब्लैक लगवा लो, सिल्वर लगवा लो, लेकिन ज़रूर लगवा लो, यहाँ से नहीं कहीं से भी लगवा लो, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है भाई। रोबोटिकल डिज़ाइन है, वैसे तो ये पूरी की पूरी जो है बाइक काफ़ी रोबोटिकल लगती है, लेकिन इस तरह की मॉडिफिकेशन कराने के बाद इसमें चार चांद लग जाते हैं। सस्पेंशन की प्रोटेक्शन हो गई, अब आते हैं रेडिएटर पे। तो रेडिएटर की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर रेडिएटर ग्रिल लगा दिया है, इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है अपने आप में, क्योंकि पूरा ये ब्लैक का टच था, तो ब्लैक का ही टच दिया है। और यहाँ पर अगर आप आओगे स्क्रीन पे, तो यहाँ पर मीटर टेम्पर लगाया है,
जैसे फोन का डैम्पर आता है वैसे स्क्रीन का डैम्पर भी है अपने पास सभी बाइक्स के, और यहाँ पर इसको करते हैं ऑफ। अब आप चेक करो क्रैश गार्ड का लुक, पहले नज़र में यहाँ से इस एंगल से अगर आप देखोगे तो भाई बिल्कुल Z1000 वाला लग रहा है, क्योंकि हमने प्रो राइडर 1000 की बाइक में लगाई थी भाई, अगस्त भाई की बाइक, पापा लेकर आए थे उनकी, तो उसमें लगाया था हमने Z1000 में। बाकी यहाँ पर ये चेक करो पूरे के पूरी बाइक सेफ, आपके इंजन सेफ है, आपका टैंक सेफ, आपके लैग सेफ, तो पूरी पूरी डिजाइनिंग आप देख लो, डबल स्लाइडर है यहाँ से लेके यहाँ तक, एक स्लाइडर वहाँ पर है, एक स्लाइडर यहाँ पर है। एक बार फ्रंट से लुक देखो उसका कितनी ज़्यादा बल्कि आ रही है यार, ये देख सकते हो गाइस, यहाँ से भी देख लो और यहाँ से भी देख लो, डबल स्लाइडर और डबल प्रोडक्शन, बहुत ही ज़्यादा बल्कि और बहुत ही ज़्यादा हैवी लुक लग रहा है यार, ये देख सकते हो दोस्तों आप। और इसकी गेज भी देखो कितनी हैवी है, एक नॉर्मल बाइक में अगर आप देखते हो तो वो चीज़ नहीं होती है, लेकिन इसमें देखो कितना ज़्यादा हैवी गेज का इसमें जो है पूरा जो है मटेरियल इसमें लगाया गया है, एक अलग लेवल पे है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये देख सकते हो आप। और साथ ही में इस क्रैश गार्ड का लुक अगर आप यहाँ से देखोगे इस एंगल से तो भी आप दिखा सकते हो एक बार, ये देखो कितना ज़्यादा बल्कि है, आप चाहे इस साइड गिरे या इस साइड गिरे किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आने वाली है गाइस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी है। और यहाँ पर हल्के हल्के रख यार, और यहाँ पर टैंक पैड थाई पैड का पूरा कॉम्बो है, ये आपके थाई पैड्स आ गए, ये आपके टैंक पैड आ गया कार्बन में, ये आपका जो पेट्रोल का कैप है इसकी पूरी फिटिंग आ गई है साथ ही में आपके टैंक पैड के पूरे कॉम्बो के साथ, ठीक है जी। क्रैश गार्ड की बात कर रहा था तो यहाँ पर आप देख लो क्लोज से कि कैसा लुक लग रहा है, साथ ही में इंजन का कवर लगाया गया, इंजन केसिंग यहाँ देखो GB रेसिंग के जेन्युइन यहाँ पर आ चुके हैं, इस साइड पर कवर लग गया है सिंगल टाइट। अब आपको दिखा देता हूँ मैं इस साइड से दिखा देता हूँ, एक बार लाइट जला देना, तो ये देखो गाइस एक साइड यहाँ पर आ गया, एक साइड यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया एक कंप्लीट लुक, आपके इंजन की प्रोटेक्शन भी हो गई, क्योंकि क्रैश गार्ड सिर्फ यहाँ तक आ रहा है, सेफ तो वो भी करेगा लेकिन श्योरिटी रहती है कि भाई आपको दिक्कत नहीं होगी, प्लस सेफ्टी भी रहती है। ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, रेडिएटर ग्रिल आ गई आप लोगों की, साथ ही में यहाँ पर बैक में लग गए हैं पैडॉक के लिए स्पून लग गए हैं छोटे छोटे, तो ये भी लग चुके हैं। सीट आप लोगों को पता है कि कंफर्टेबल नहीं है, तो कुशनिंग के साथ में सीट का भी वर्क किया गया है दोस्तों, तो ये चेक कर सकते हो आप, बहुत ही ज़बरदस्त है भाई, फिनिशिंग अच्छी है और काफ़ी अच्छा इसका लुक आ रहा है। ऑल अबाउट मॉडिफिकेशन हो चुकी है कंप्लीट, PPF लेमिनेशन फुल बाइक की गई थी, उसका भी एक बार फाइनल रिजल्ट चेक कर लो आप। तो यहाँ पर आगे मॉडिफिकेशन जाती है कंप्लीट आपकी Kawasaki Z900 पर 2024 वेरिएंट। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसका एक नया पार्ट लाएंगे, उसमें नए अपग्रेड करेंगे। आप लोगों के पास अगर इस तरीके की बाइक है तो आ सकते हो अपने शॉप पर, मिलेगी दिल्ली करोल बाग नए वाला मार्केट 4 SKD वाइबल। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत।